दीपा नीटिंग चैनल में आज फिर मैं न्यू का डिजाइन लेकर आई हूँ ये आप किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं इस वीडियो में मैं किस साइज के लिए कितनी फंदे लेना है मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ जिसकी वजह से आप आराम से किसी भी साइज में बना सकते हैं इसमें पत्ते देख रहे हैं ये पत्ते आप बढ़ा कर घटा कर बना सकते हैं कोई भी साइज में अब देखिए दोनों साइड हमारा ये डिजाइन है ये डिजाइन आप फंदे कम बेसिक करके आराम से बना सकते हैं पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत नजर आता है ये टोपी और बनाने में बहुत ही ईजी है बहुत ही कम धागे से बनने वाला ये टोपी का डिज़ाइन आज मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ अगर आपको ये टोपी का डिज़ाइन पसंद आए तो ये मेरे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए इस तरह का आसान और यूनिक टोपी का डिज़ाइन मेरे चैनल में काफ़ी सारा है वहां जाकर आप किसी भी साइज का किसी भी डिज़ाइन का टोपी देख सकते हैं और इसमें ऊपर का साइड पम पम्प लगा भी सजा सकते हैं आप ये टोपी आप किसी भी साइज में आराम से बना सके इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ बहुत ही आसान बहुत ही सुंदर और बहुत ही जल्दी बनने वाला टोपी बनाना शुरू करते हैं किन साइज के लिए कितनी फंदे डालना है ऊपर लिख रही हूँ इसमें मैं दस नंबर का सिलाई यूज कर रही हूँ और ये वर्तमान धागा का थोड़ी पतले वाला धागा है इसके मैं डबल करके ले रही हूँ अब देखिए ये इस तरीके से फोल्ड करना है जिसकी वजह से ये आपको डिस्टर्ब ना करे देखिए इस तरीके से फोल्ड करिएगा और फोल्ड करने के बाद इधर नट लगाइएगा जिसकी वजह से ये आपको डिस्टर्ब ना करे और बाद में ये सिलने में यूज आए इसमें मेरा नब्बे फंदे हैं अब इसकी सीधी साइड से बीनते हैं फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है ताका आपने और एक फंदे उल्टी भी नहीं एक फंदे सीधी बिनाएं इस तरीके से वो इसमें आपको वन बाई वन का रिप डिजाइन बना लेना है मतलब आपको एक फंदे सीधी एक फंदे उल्टी बीनते हुए ये सारी सलाई पूरी करनी है मैं इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ एक फंदे उल्टी बिनाई दागे पीछे एक फंदे सीधी बिनाई और लास्ट का एक फंदे उल्टी बिनाई इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए इसकी रंग साइड से रंग साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है दागा आपने और एक फंदे उल्टी बिनाई एक फंदे सीधी बिनाई इस तरीके से बना लेना है मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बना लेना है गांठ वाला उल्टी भी नहीं और सीधी वाला सीधी भी नहीं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा इसकी बैक साइड में मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ लास्ट का फंदा उल्टे बिनाई इस तरीके से बनानी है अब देखिए इसकी सीधी साइड देखिए अब इसकी सीधी साइड से आप फिर बीनते हैं फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है धागा आपने और एक फंदे उल्टी बिनाई देखिए ये गांठ वाला है इसको उल्टी बिनाए धागे पीछे एक फंदे सीधे बिनाई धागा आपने और एक फंदे उल्टी बिनाए धागे पीछे एक फंदे सीधी बिनाई इसी तरीके से बिनते हुए आपको बना लेना मैं बिनाई फास्ट और टाइट बिनने के लिए इस तरीके से धागा लेती हूँ आप भी इस तरीके से धागा ले सकते हैं कोई बात नहीं अब देखिए मैं फिर बिनती हूँ एक फंदे सीधी एक फंदे उल्टी धागे पीछे एक फंदे सीधी धागा आपने और एक फंदे उल्टी लास्ट में आपको चार फंदे छेड़ने हैं ये सीधी साइड से अब देखिए इसकी दूसरी साइड मतलब इसकी रंग साइड से फिर आपको बीनने हैं अब देखिए इसमें आपको फिर उसी तरीके से बिनने हैं फस फंदे बिना बिना उतारना है धागा आपने और एक फंदे उल्टी बिनाए धागे पीछे एक फंदे सीधी बिनाए इसी तरीके से बनाइएगा अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ एक फंदे उल्टी बिनाए धागे पीछे एक फंदे सीधी बिनाए धागा आपने और एक फंदे उल्टी बिनाए और फिर लास्ट में हम चार फंदे छोड़कर फिर इधर से बैक होते हुए बिनेंगे मतलब आपको शर्ट रो बिनाई बीनने हैं देखिए इस तरीके से पलटते हैं पलटने के बाद फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है तो आपने और एक फंदे उल्टी बिनाई एक फंदे सीधी बिनाई इसी तरीके से आपको बना लेना है फिर इस तरीके से बिनते हुए इसके लास्ट में आपको फिर चार फंदे छोड़ना है देखिए इसी तरीके से बनानी है अब देखिए एक फंदे में ज़्यादा बुन गई थी अब इस तरीके से बिनाई खोल सकते हैं अब इधर चार फंदे छोड़ने के बाद इधर से पलटते हुए फिर आपको बिनने हैं एक फंदे बिना बिना एक फंदे उल्टी बिनाई आगे पीछे एक फंदे सीधी बिनाई इसी तरह अब फिर देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं इसके लास्ट में आ रही हूँ लास्ट में फिर मैं चार फंदे छोड़ती हूँ मतलब इसका दोनों साइड आपका चार चार फंदे छोड़ते हुए आपको बिनने हैं मतलब शर्ट रूप बिनाई बिनने हैं देखिए चार फंदे चार फंदे इधर इस तरीके से छोड़ रही हूँ इसी तरीके से छोड़ते हुए आपको बनानी है अब इधर भी इसी तरीके से चार चार फंदे छोड़ते हुए इस तरीके से पलटते हुए आपको इसका ऊपर बिनने हैं अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ मतलब चार चार फंदे दोनों साइड छोड़ते हुए बीच में आपको अठारह फंदे रखना है अगर किसी भी साइज़ में बना रहे हैं तो आप भी उसी तरीके से अठारह फंदे बीच में रखकर बाकी का फंदे इसी तरीके से चार चार फंदे घटाते जाना है अब देखिए मैं भी इसी तरीके से विनती आ रही हूँ अब देखिए इधर भी मैं चार फंदे छोड़ रही हूँ और बीच में मैं अठारह फंदे रख रही हूँ पत्ते बनाने के लिए अब देखिए कितनी घटा रही हूँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ चौको को छत्तीस अब देखिए इसका ऊपर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह फंदे हैं ये हम पत्ते बनाएंगे अठारह फंदे में अब देखिए इधर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ मतलब नौ चौको छत्तीस इसी तरीके से बीच में आपको अठारह फंदे रखना है अठारह फंदे में आपको पत्ते बनानी है देखिए पत्ते बनाने के तरीके दो फंदे इधर दो फंदे एक साथ दो का एक बना लेना है देखिए इस तरीके से सीधी साइड से एक में से तीन बार बनानी है एक बार धागा आपने और दो बार और ये तीन बार इस तरीके से एक में से तीन बार बनानी है एक दो तीन इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए धागा आपने और छह फंदे उल्टे बिनाई एक दो तीन चार पाँच छ इस तरीके से बनाइएगा और फिर देखिए धागे पीछे और फिर दो फंदे से आपको तीन फंदे बनाना है देखिए दो फंदे एक साथ बनानी है धागा आपने और दो और तीन इस तरीके से दो से तीन फंदे बनानी है देखिए गिनते हैं एक दो तीन इस तरीके से बनाइएगा दो से तीन फंदे अब देखिए धागा आपने और फिर छह फंदे उल्टी बिना एक दो तीन चार पाँच छ इस तरीके से बनानी है धागा पीछे अब लास्ट में दो फंदे हैं फिर दो फंदे एक साथ बनानी है इस तरीके से सीधी बिनाई दागा आपने और फिर एक बार इसी में से बनाएंगे जिसकी वजह से एक से तीन फंदे होता है अब देखिए इधर हमारा तीन पत्ते हो चुका है बीच में हमारा ये छः छः फंदे का उल्टी बिनाई है अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो ये अठारह की जगह अठारह रख के बनाइएगा अब इधर दो साइड में, में मेरा छत्तीस छत्तीस है उसकी जगह आप फंदे का हिसाब से दो भाग लगाकर बनाइएगा सीधी साइड से अठारह फंदे में पत्ते बनाने के बाद बाकी का छत्तीस फंदे में फिर आपको एक फंदे सीधी बिनाई एक फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए बनानी है देखिए इस तरीके से बनाइएगा बाकी का छत्तीस फंदे में अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ मतलब एक फंदे उल्टी एक फंदे सीधी बीनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ इसी तरीके से बनाइएगा अगर आप किसी भी साइज में बना रहे हैं तो इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ लास्ट का फंदे उल्टी बिने अब देखिए इसकी बैक साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है फिर सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी सीधी सीधी बीन कर मैं इसी तरीके से छत्तीस फंदे तक बनाती हूँ मतलब यहाँ तक इसी तरीके से बनानी है इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए छत्तीस फंदे में सीधी सीधी बना रही हूँ जिसकी वजह से ये सीधी साइड में डिज़ाइन बनकर आ रहा है अब देखिए धागा आपने और इधर से हम पत्ते बना रहे थे ये पत्ते वाला का तीन फंदे उल्टी बिना इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए ये पत्ते में उल्टी बिनाई बिनने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है और छह फंदे सीधी एक दो तीन चार पाँच छ इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए धागा आपने और जो हम पत्ते बनाए थे वो वाला फंदे उल्टी बिनाए एक दो तीन इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए ये पत्ते बन चुका है सीधी साइड ताके पीछे छह फंदे सीधी बिना एक दो तीन चार पाँच छ इस तरीके से बिन इसकी बैक साइड में तागा आपने और इधर देखिए इधर तीन फंदे हैं पत्ते का वो आपको उल्टी बिना बिनने हैं अगर आप किसी भी साइज़ में बना रहे हैं तो आप इसी तरीके से बनाइएगा इसकी अठारह फंदे में अब देखिए बाकी का छत्तीस फंदे आपको फिर से सीधी बिनाई बिनते हुए बनानी है ये आकर मैं निकाल रही हूँ इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है आप चाहे तो लगा सकते हैं अब देखिए इधर हम फिर सीधी सीधी बनाएंगे इस तरीके से बिनते हुए मैं छत्तीस फंदे सारी सीधी सीधी बना इस तरीके से बनाइएगा अब इस तरीके से बिनने के बाद लास्ट का फंदे उल्टे बिनाएं जिसकी वजह से ये बॉर्डर बनकर आता है अगर आप किसी भी साइज में बना रहे हैं तो ये जो बॉर्डर है ये आपसे आप बड़ा साइज का बनेगा अब देखिए इसका ऊपर आपको किस तरीके से बनानी है ये इसकी सीधी साइड है फस फंदे बिना बिना उतारना है धागा आपने और इस तरीके से सारी फंदे उल्टी उल्टी बनाइएगा मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए छत्तीस फंदे तक बनाती हूँ इसी बात को रिपीट करते हुए और कितनी बिनने किस तरीके से बिनने मैं ऊपर लिख रही हूँ वहाँ देखकर कर भी आप बना सकते हैं आसानी से अब देखिए इसका ऊपर फिर बनने हैं पत्ते में एक फंदे सीधी बिनाई देखिए अब धागा अपनी ओर देखिए इस तरीके से जिसकी वजह से इधर एक फंदे बढ़ता है अब देखिए ये वाले फंदे इस तरीके से सीधी बनाइएगा देखिए इधर एक फंदे बढ़ चुका है अब देखिए इसी तरीके से इधर भी बढ़ाते हैं धागा आपने और एक फंदे जाली बनाते हुए सीधी नहीं जिसकी वजह से इधर जाली भी बन जाता है और एक फंदे भी बढ़ जाता है अब इधर हमारा तीन से पाँच फंदे हो चुका है पत्ते में अब देखिए बाकी का छह फंदे उल्टी बिनाई एक दो तीन चार पाँच छः इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है एक फंदे सीधी बिनाई देखिए इस तरीके से धागा आपने और एक फंदे जाली बनाते हुए सीधी बिनाई देखिए जिसकी वजह से इधर जाली भी बन जाता है और एक फंदे भी फिर इधर भी इसी तरीके से फंदे बढ़ाना है देखिए इस तरीके से जिसकी वजह से एक में से पाँच बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच इस तरीके से दागा आपने और एक दो तीन चार पाँच धागे पीछे तीन में से पांच बनाएंगे एक फंदे धागा आपने और जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी जिसकी वजह से जाली भी बन जाता है और एक फंदे भी बढ़ जाता है देखिए धागा अपनी और जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी इस तरीके से आपको पांच फंदे बनानी है एक दो तीन चार पाँच इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए बाकी का छत्तीस फंदे हैं इसमें आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं देखिए इस तरीके से बनाइएगा मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए छत्तीस फंदे बिनती हूँ मतलब सारी बीनती हूँ अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ लास्ट वाले फंदे उल्टी बीने इस तरीके से बनाइए अब सीधी साइड से बीनने के बाद इसकी बैक साइड से बैक साइड से आपको छत्तीस फंदे सीधी सीधी बना लेना है देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी सीधी बीन कर छत्तीस फंदे बिनने के बाद पत्ते में मैं आ रही हूँ पत्ते के उल्टी साइड से सारी फंदे उल्टी उल्टी बना लेना है देखिए इस तरीके से बनाइएगा इस तरीके से बनाएंगे तो ये सीधी साइड से हमारा इस तरीके से पत्ते बनकर आता है अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है छ फंदे सीधे एक दो तीन चार पाँच धागा आपने और इस तरीके से अब देखिए फिर एक दो तीन चार पाँच इस तरीके से पत्ते में आपको उल्टे बिना बेनने हैं अब ये छः पंद्रे सीधी बिना एक दो तीन चार पाँच छः तागा आपने और पत्ते में उल्टी बिनाई दो तीन चार पाँच इस तरीके से बनाइएगा ये हमारा तीन पत्ती बन रहा है सीधी साइड से और बैक साइड से पत्ते में आपको उल्टी बिनाई बेनने हैं हर रो में हम इसी तरीके से बनाएंगे जब तक हमारा ये टोपी ना बने अब देखिए इधर आपको छत्तीस फंदे फिर सीधी सीधी बना लेना और फिर लास्ट वाले फंदे उल्टी भी नहीं इस तरीके से बनाइएगा इसकी बैक साइड में अब देखिए इसकी सीधी साइड फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है इस तरीके से बनाइएगा छत्तीस फंदे में छत्तीस फंदे, फंदे बनाने के बाद इधर हमारे पत्ते आता है पत्ते में, में एक फंदे सीधी और जाली वाले फंदे भी सीधी फिर देख रहे हैं इधर आपको जाली डालना है धागा आपने और जाली डालते हुए एक फंदे सीधी धागा आपने और जाली बनाते हुए ये जाली वाले फंदे सीधी इस तरीके से बनाइए अब देखिए जाली एक सीधी और एक जाली इस तरीके से दोनों साइड आपको जाली बनानी है बीच में सीधी इस तरीके से बनाइएगा और लास्ट को वाले फंदे सीधी इसी बात को रिपीट करते हुए आपको ये पत्ते बनानी है और बीच में हमारा छः फंदे हैं ये छः फंदे उल्टी बिना बेनने हैं जब तक आपका टोपी पूरा ना हो जाए आपको इसी तरीके से बनानी है ताकि पीछे है आप देखिए इधर आपको इस तरीके से एक फंदे सीधी जाली वाली फंदे सीधी धागा आपने और इधर जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी इस तरीके से बनाइएगा धागा आपने और जाली वाले फंदे जाली बनाते हुए सीधी इस तरीके से दो जाली आता है और लास्ट वाले फंदे सीधे मतलब पांच फंदे से सात फंदे बनानी है अब देखिए छह फंदे फिर उल्टी बिनाई इस तरीके से बनाइएगा छह फंदे उल्टी बिनाने के बाद फिर इधर पत्ते आता है पत्ते में एक फंदे सीधी जाली वाले फंदे सीधी धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी धागा अपनी और जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी फिर लास्ट वाले फंदे सीधी इस तरीके से बनाइएगा और फिर छत्तीस फंदे में सीधी बिनाई इस तरीके से बनाइएगा अब इस तरीके से बीनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ अब इसकी बैक साइड बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का नजर आए उसी तरीके से बनाइए देखिए ये सारी उल्टी नजर आ रहा है तो हम उल्टी बनाई बीन रहे हैं एक छत्तीस फंदे में इसी तरीके से बनाइएगा छत्तीस फंदे बनाने के बाद पत्ते का फंदा है ये भी हमको उल्टी नजर आ रहा है इसलिए हम उल्टी बिनाई बिनेंगे बहुत ही आसान है उल्टी साइड से आप जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनाते हुए बनाइएगा अब देखिए ये सीधी साइड से उल्टी है तो ये बैक साइड से सीधी है तो हम इसके सीधी बिनाई बिनेंगे बहुत ही आसान है इसी तरीके से आपको इसकी उल्टी साइड इस तरीके से बनानी है मैं बार बार ये उल्टी साइड दिखाऊंगी नहीं क्या है कि हमारा ये टाइम है वो ज़्यादा होता है इसलिए मैं थोड़ी कट करके आपको बताने चाहती हूँ जिसकी वजह से आप आराम से बना सकें और जो वीडियो का टाइम है वो भी कम होता है मैं उसी हिसाब से दिखाऊंगी अब देखिए ये सारी सीधी सीधी नज़र आ रहा है इसलिए हम सीधी सीधी बना रहे हैं इसकी बैक साइड में देखिए आप पत्ते आ रहे हैं पत्ते में फिर हम उल्टी बिने बिनेंगे देखिए इस तरीके से बनाइएगा अब ये पत्ते बनाने के बाद बाकी का छत्तीस फंदे हैं ये हमारा उल्टी नजर आ रहा है तो हम उल्टी बिने बिनेंगे इस तरीके से बनाइएगा ब्याक साइड बनाने के बाद इसकी सीधी साइड से अब देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है देखिए इस तरीके से और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है देखिए इस तरीके से बनाइएगा ये तीन रो का डिज़ाइन है ये बिनने के बाद हमारा तीन रो पूरा होता है अब देखिए छत्तीस फंदे में इसी तरीके से सीधी सीधी बीन बना रही हूँ अब देखिए बाकी में पत्ते हैं पत्ते में फिर हम जाली डालते हैं एक फंदे दो फंदे और ये जाली वाले फंदे भी सीधी तीन फंदे अब एक बार फिर हम इसमें डाली डालते हैं धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए फिर एक फंदे सीधी देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है धागा अपनी ओर जाली डालते हुए फिर एक फंदे सीधी अब बाकी का दो फंदे फिर सीधी सीधी बना लेना है देखिए इस तरीके से बनाइएगा देखिए छः फंदे उल्टी बिनाई का है धागा अपनी ओर एक दो तीन चार पाँच छः इस तरीके से बनेगा अब फिर इधर पत्ते में पत्ते बनाने हैं एक फंदे भी बिनाई ये वाले फंदे भी सीधी बिनाई जाली वाले फंदे भी सीधी बिनाई धागा आपने और जाली डालते हुए एक फंदे फिर सीधी देखिए धागा आपने और जाली डालते हुए इस तरीके से बनाइएगा धागा आपने और जाली डालते हुए एक फंदे फिर सीधी अब दो फंदे सीधी का है ये सीधी सीधी बनाएंगे अब फिर छह फंदे उल्टी बनाइए एक दो तीन चार पाँच छः तागे पीछे एक दो तीन तीन फंदे सीधी भी नहीं धागा आपने और जाली डालते हुए एक फंदे सीधी धागा आपने और जाली डालते हुए जाली वाले फंदे सीधी और दो फंदे फिर सीधे इस तरीके से बनाइएगा देखिए अब इधर फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनाने हैं मतलब छत्तीस फंदे फिर आपको सीधी बिना बिनने हैं देखिए इस तरीके से बनाइएगा इस तरीके से बीनते हुए मैं इसके लास्ट में आ रही हूँ इसका ऊपर ये छत्तीस फंदे में हम जो डिजाइन डाल रहे थे ये तीन रो का डिजाइन है अब देखिए तीन रो पूरी होने के बाद इसका ऊपर डिजाइन चेंज करना है मतलब तीन सलाई बिनने के बाद इसका ऊपर डिजाइन चेंज करके बिनने हैं अब देखिए इसका ऊपर मैं सीधी सीधी बना रही मतलब एक दो तीन डिजाइन पूरा होने के बाद इसका ऊपर डिजाइन चेंज कर रही हूँ सीधी सीधी बीनकर ये इसकी बैक साइड है बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनकर पूरी करनी है बैक साइड से मैं जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिन कर मैं ये साड़ी पूरी कर रही हूँ अब देखिए इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है धागा आपने और, और छत्तीस फंदे इसी तरीके से उल्टी बिनते हुए बनाइएगा इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ अब देखिए इधर से हमारा पत्ते आता है अब देखिए पत्ते का घटाई करने है देखिए एक दो तीन चार चार जाली और चार फंदे इसका ऊपर ये बच्चे का साइज का है इसलिए मैं चार जाली इसमें बना रही हूँ अगर बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो ये जाली बढ़ा सकते हैं जाली बनाने से ये आपका फंदे भी बढ़ जाता है अब इसका ऊपर आपको घटाई करने हैं देखिए दो फंदे दो का एक फंदे सीधी बिनाई जाली वाले फंदे भी सीधी बिनाई अब इधर हम कोई भी फंदे बढ़ाएंगे नहीं इसलिए ये बीच वाला सेंटर के भी सीधी बिनाई अब जाली वाले फंदे सीधी बिनाई और एक फंदे फिर सीधी अब देखिए इधर दो फंदे हैं दो फंदे इस तरीके से लेना है दूसरे निडल में और फिर पलटना है और बैक साइड से काटी डालकर दो फंदे फिर दो का एक बना लेना है देखिए इस तरीके से बनाइएगा दो फंदे बैक साइड से काटी डालकर दो का एक देखिए धागा आपने और एक दो तीन तीन फंदे बिन्ने हैं और ये बीस सेंटर देख रहे हैं आप इसका बीस सेंटर में ये धागा है देख रहे हैं ये वाला इसी में से आपको एक में से तीन बनानी है देखिए एक धागा आपने और फिर डालना है और फिर इस तरीके से बना लेना है एक एक दो तीन इस तरीके से अब धागा आपने ओर तीन फंदे उल्टे बिनाई एक दो तीन फिर इसका ऊपर कटाई करने हैं अब देखिए दो फंदे सीधी साइड से दो फंदे दो का एक दो और ये बीस सेंटर का एक और इधर साइड भी एक अरे दो बिनने के बाद फिर ये दो फंदे पलटना है और पीछे से काटी डालकर देखिए इस तरीके से पीछे से काटी डालकर दो फंदे दो का एक बना लेना है अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इधर भी आपको पत्ते बनानी है तागा आपने और तीन फंदे उल्टी बिना एक दो तीन ताकि पीछे नीचे से एक फंदे लेना है देखिए इस तरीके से एक तागा आपने और फिर एक ही में से बिनने हैं इस तरीके से एक दो तीन बना लेना है तागा आपने और एक दो तीन तीन उल्टी बिनाई तागे पीछे इसी तरीके से ये पुआली पत्ती भी कटाएंगे दो फंदे दो का एक दो तीन अब दूसरी साइड का एक दो अब देखिए ये दोनों फंदे आपको इस तरीके से पलटने हैं पलटने के बाद बैक साइड से काटी डालकर का दो फंदे फिर दो का एक बना लेना है अब देखिए फिर धागा आपने और बाकी का छत्तीस फंदे उल्टी बिनाई देखिए इस तरीके से बनाइएगा। सीधी साइड पूरा होने के बाद अब इसकी बैक साइड से बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनानी है इसी तरीके से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनाइएगा अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ लास्ट वाले फंदे उल्टी बिनाई अब देखिए इसकी सीधी साइड से सीधी साइड से एक दो तीन डिजाइन पूरी होने के बाद इसका ऊपर डिजाइन चेंज करना है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं मतलब ये तीन सिलाई का डिजाइन है तीन सिलाई पूरी होने के बाद इसका ऊपर डिजाइन चेंज करना है इसका ऊपर देखिए सीधी सीधी का बना रही हूँ मतलब छत्तीस फंदे आपको फिर से सीधी सीधी बिनकर कर तीन रो पूरी करनी एक दो तीन इसी तरीके से बनाइएगा इसका ऊपर फिर ये तीन रो पूरी होने के बाद इसका ऊपर फिर आपको डिजाइन चेंज करके बीनने हैं ये छत्तीस फंदे में देखिए ये छत्तीस फंदे में बीन चुकी हूँ अब इसका ऊपर फिर घटाई करने है दो फंदे दो का एक अब देखिए बाकी का सीधी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है अब देखिए फिर ये दो फंदे पलटना है पलटने के बाद बैक साइड से देखिए इसका बैक साइड से कांटी डालकर का दो फंदे फिर दो का एक बना लेना है देखिए इस तरीके से बनाइएगा जिसकी वजह से ये पत्ते बनकर आता है अब देखिए तीन फंदे उल्टी बिनाई इस तरीके से धागे पीछे लगा जाना है फिर ये एक फंदे सीधी बीच के फंदे में धागा अपनी ओर लेकर आना है फिर जाली बनाते हुए सीधी बिनाई बिनने हैं देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर जाली डालते हुए लास्ट वाले फंदे सीधी इस तरीके से बनानी है दागा आपने और एक दो तीन फिर ये पत्ते का दो फंदे दो का एक एक दो तीन तीन फंदे सीधी बनाने के बाद दो फंदे पलटने हैं और फिर बैक साइड से काटी डालकर का, दो फंदे दो का एक बना लेना है देखिए इस तरीके से आपको पत्ते का कटाई बनानी है ये पत्ते के जाली बढ़ाने से ये पत्ते बड़ा साइज का होता है इसी तरीके से इधर इधर का पत्ते भी बनानी है अब देखिए ये बच्चे के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं चार जाली डाल रही हूँ अगर इससे भी बड़ा साइज का बना रहे हैं तो आप पाँच छः सात तक जाली बना सकते हैं बड़े साइज में अब देखिए एक फंदे बिनने एक फंदे फिर जाली बनाते हुए सीधी तागा आपने ओर एक फंदे जाली बनाते हुए सीधी इस तरीके से तीन फंदे से पांच फंदे बनाने हैं तागा आपने ओर तीन फंदे उल्टी बनाई एक दो तीन अब फिर पत्ते का घटाई दो फंदे दो का एक फिर देखिए एक दो तीन अब लास्ट का दो फंदे फिर इस तरीके से पलटते हुए बैक साइड से दो फंदे दो एक इस तरीके से बनाइएगा बैक साइड से दो फंदे दो एक अब इसमें आपको इसी तरीके से घटाते जाना है अब देखिए इसका ऊपर छत्तीस फंदे में फिर आपको सीधी बिना बेनने हैं अब इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है अब फिर छत्तीस फंदे में आपको सीधी बिनाई बीनने हैं देखिए इस तरीके से बनाइएगा अब इसी तरीके से बीनते हुए मैं छत्तीस फंदे पूरे कर चुकी हूँ अब मैं पत्ते में आ रही हूँ पत्ते में दो फंदे एक दो इस तरीके से बना लेना है अब देखिए ये बीस सेंटर का एक फंदे है। इसको आपको सीधी बनानी है देखिए ये वाला अब इधर दो फंदे हैं दो फंदे इस तरीके से लेना है और फिर पलटने हैं अब देखिए ये दो फंदे बैक साइड से दो फंदे दो का एक बना लेना है इस तरीके से बनाइएगा पत्ते आप आपका हिसाब से बड़ा छोटा बना सकते हैं जाली कम बेसी डालकर अब देखिए बीच का फंदे आपको उल्टी बिना बिनने है हैं पीछे एक फंदे सीधे अब देखिए ये जाली वाली फंदे है इससे भी सीधी बिना नहीं हैं फिर देखिए इधर आपको जाली डालना है धागा आपने और जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी इस तरीके से बनाइएगा धागा आपने और जाली डालते हुए एक फंदे सीधी इस तरीके से बनाइएगा और लास्ट का एक फंदे सीधी बिना इस तरीके से आप जाली डाल सकते जितनी आप जाली डालोगे उतनी आपका ये टोपी का साइज भी आपसे आप बढ़ जाता है अब देखिए इस तरीके से आपको उल्टी बिनाई बनना है फिर इसी तरीके से इसमें भी कटाई करते हैं धागे पीछे लेकर जाना है दो फंदे एक साथ दो का एक फंदे सीधी बिनाई फिर दो फंदे पलटने हैं इस तरीके से पलटने के बाद इसको बैक साइड से दो फंदे एक साथ दो का एक दो तीन धागे पीछे एक और ये जाली वाले फंदे भी सीधी दो दो फंदे सीधी बनाने के बाद फिर जाली डालना है धागा आपने और फिर जाली बनाते हुए जाली वाले फंदे सीधी और ये वाली फंदे सीधी है तो हम सीधी बनाएंगे देखिए फिर एक दो तीन धागे पीछे अब देखिए फिर दो फंदे एक साथ दो का एक फंदे सीधी बिनाई फिर दो फंदे इस तरीके से पलटने हैं पलटने ब्याक का। दो दो के बाद बैक साइड से काटी डालकर दो फंदे दो एक इस तरीके से बनाइएगा पत्ते में अब बाकी का छत्तीस फंदे आपको फिर सीधी सीधी बना लेना है देखिए इस तरीके से बनाइएगा अभी इस तरीके से बिनाती हुए मैं इसकी सीधी साइड पूरी कर चुकी हूँ और सीधी में हमारा ये तीन रो पूरा हो चुका है इसकी बैक साइड से फिर आपको डिजाइन चेंज करनी है मतलब एक दो तीन डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर डिजाइन चेंज करते हैं हम शुरू से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बना लेना है उल्टी साइड से सीधी बिनने के बाद सीधी साइड में गांठ वाला डिजाइन आता है अब देखिए मैं फिर सीधी साइड से छत्तीस फंदे भी बीन चुकी हूँ अब धागे पीछे लेकर जाना के बाद पत्ते में हमारा तीन फंदे है दो फंदे जाना है। पीछे वाले फंदे बीनने है। और दो फंदे इसी के गिराने देखिए इस तरीके से बनाइएगा जिसकी वजह से ये पत्ते बनकर आता है अब देखिए फिर धागा आपने और तीन फंदे उल्टी बिना है एक दो तीन इस तरीके से बनाइएगा फिर धागे पीछे लेकर जाना है अब देखिए इधर हम तीन जाली बना चुके हैं इसमें अब इसका ऊपर फिर एक जाली डालेंगे एक सीधी दो सीधी और ये जाली वाले फंदे भी सीधी, इस तरीके से धागा आपने और फिर जाली डालते हुए एक फंदे सीधे अब देखिए एक दो तीन चार मतलब चार फंदे बढ़ चुका है मतलब चार जाली डालने के बाद अब देखिए इधर एक जाली डाल रही हूँ दो तीन चार मतलब दोनों साइड हमारा चार चार फंदे बढ़ गया मतलब इधर हमारा टोटल नौ फंदे हैं इस तरीके से बनाने के बाद इसका ऊपर फिर आपको इसी तरीके से इसका ऊपर घटाई करने है जिस तरीके से हम गराते आ रहे हैं धागा आपने और एक दो तीन फिर दो फंदे दूसरी कैंडी में पीछे वाली फंदे बिनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिराने हैं देखिए इस तरीके से इसका घटाई करिएगा फिर धागा अपनी ओर तीन फंदे उल्टी बिना एक दो तीन फिर ये पत्ते आ रहा है धागे पीछे लेकर जाना है एक दो तीन धागा अपनी और जाली डालते हुए एक फंदे सीधी धागा अपनी और जाली डालते हुए दो तीन चार इस तरीके से आपको बना लेना है धागा अपनी ओर एक दो तीन और फिर पत्ते में कटाई करनी है दो फंदे दूसरी काटी में पीछे वाले फंदे बीनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिराने हैं देखिए इस तरीके से बनाइएगा धागा आपने और बाकी का छत्तीस फंदे उल्टी बीनाई इस तरीके से बनाइएगा उल्टी उल्टी बीन कर देखिए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ छत्तीस फंदे बीनने के बाद इसकी बैक साइड से बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बना लेना है ये छत्तीस फंदे में यहाँ तक आप इसी तरीके से बनाइएगा अब देखिए मैं इस तरीके से बनने के बाद ये पत्ते था हमारा ये पत्ते में ऊपर एक फंदे है ये उल्टी नजर आ रहा है इसको आपको सीधी बिने नहीं बिनने हैं और जो सीधी है उसको सीधी बिने नहीं बिनने है जो उल्टी है उसको उल्टी बिने नहीं बिनने हैं इसी तरीके से बनाइएगा इसकी बैक साइड में शुरू से हम इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं देखिए मैं सारी पत्ते में इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनती हूँ अब देखिए ये सीधी है तो हम सीधी बिनाई बीनेंगे अब देखिए ये पत्ते हैं ये पत्ते का ऊपर हमारा उल्टी फंदे है इसको आपको सीधी बिना बिनना है इसी बात को रिपीट करते हुए आपको इसकी बैक साइड बना लेना है फिर इधर पत्ते हैं पत्ते में फिर हम उल्टी बिनाई बिनते हैं देखिए इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए इधर सीधी फंदे है तो हम सीधी बिनाई बीनते हैं इतनी बनाने के बाद इधर हमारा एक पत्ते है ये पत्ते में हम फिर सीधी बिनाई बिनेंगे और बाकी का छत्तीस फंदे में आपको फिर सीधी बिनाई बिनने हैं इसी तरीके से बनाने के बाद अब इसकी सीधी साइड अब सीधी साइड में आपको फिर सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है देखिए इस तरीके से बनाइएगा छत्तीस फंदे सीधी सीधी बनाने के बाद इसका ऊपर फिर धागे अपनी ओर लेकर आना है अब देखिए इस तरीके से उल्टी बिनाई देखिए एक दो तीन चार चार फंदे उल्टी बिनाई बनने हैं देखिए इस तरीके से बनाइएगा अब ये पत्ते हैं इसमें हम कटाई करेंगे धागे पीछे लेकर जाना है अब देखिए इधर चार जाली डालने के बाद चार फंदे बढ़ चुका है जिस तरीके से इधर घटाई कर रहे थे उसी तरीके से घटाई करेंगे दो फंदे दो का एक बीच का फंदा आपको सारी सीधी सीधी बना लेना है देखिए इस तरीके से और लास्ट का दो फंदे में फिर आपको इस तरीके से पलट कर दो फंदे एक साथ दो एक बना लेना है इस तरीके से बैक साइड से दो फंदे एक साथ दो एक अब देखिए इतनी मिलने के बाद एक दो तीन तीन फंदे उल्टी बिनाई का है अब देखिए इधर हम पत्ते बनाएंगे जिस तरीके से बाकी में बनाए थे उसी तरीके से एक फंदे बनानी है धागा आपने और जाली डालते हुए फिर इसी में सीधी बिनाई एक दो तीन मतलब एक में से तीन फंदे बनानी है अब देखिए एक दो तीन उल्टी बिनाई का अब देखिए फिर इधर आपको पत्ते घटाई करने हैं ये दो फंदे दो का एक बाकी का फंदे सीधी बिनाई फिर लास्ट का दो फंदे इस तरीके से पलटने हैं पलटने के बाद बैक साइड से काटी डालकर का दो फंदे एक साथ दो का एक उल्टी बिनाई का है जो ये हम उल्टी बिनाई बिनेंगे इस तरीके से बनाइएगा अब फिर आपको बाकी का छत्तीस फंदे में फिर धागे पीछे लेकर जाना है और फिर सीधी बिनाई बिनने हैं देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी हम इसी तरीके से सीधी सीधी बीन कर पूरी करेंगे अब इसकी बैक साइड बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बना लेना है बैक साइड बीनने के बाद सीधी साइड सीधी साइड में ये सीधी नजर आ रहा है मतलब छत्तीस फंदे आपको इस तरीके से सीधी सीधी बना लेना है देखिए छत्तीस फंदे सीधी सीधी बनाने के बाद धागा अपनी ओर इधर उल्टी बिनाई का डिज़ाइन है हम इधर उल्टी बिनाई बिनेंगे अब देखिए धागे पीछे ये पत्ते में दो फंदे एक साथ दो का एक बनाए और बीच का तीन फंदे सीधी बनानी है देखिए इस तरीके से बनाइएगा अब लास्ट का दो फंदे फिर इस तरीके से पलटने हैं और बैक साइड से काटी डालकर दो फंदे एक साथ दो का एक बनानी है देखिए इस तरीके से बनाइएगा और फिर तीन फंदे उल्टी बिनाई का है इससे हम उल्टी बिनाई बिनेंगे अब इधर हमारा फिर पत्ते बन रहा है बीस सेंटर में अब देखिए इसमें एक फंदे बिनने हैं जाली डालते हुए फिर एक फंदे बनानी है तागा अपनी और जाली डालते हुए फिर एक फंदे मतलब तीन फंदे से पांच फंदे बनानी है तागा अपनी ओर इधर फिर उल्टी बिनाई का डिजाइन है इसमें हम उल्टी बिनाई बिनेंगे ये पत्ते में बाकी का पत्ते जैसा घटाई पत्ते का घटाई करने के बाद तीन फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं बाकी का छत्तीस फंदे सीधी सीधी बना लेना है देखिए इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए इसकी सीधी साइड फसफ फंदे बिना बिना उतारना है धागा आपने और छत्तीस फंदे उल्टे बिनाई देखिए इस तरीके से बनाइएगा उल्टी उल्टी बिनकर कर अब देखिए छत्तीस फंदे उल्टी उल्टी बिनने के बाद ये उल्टी का डिजाइन है इसमें भी हम उल्टी बिनाई बिनते हैं देखिए इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है इधर आपको दो फंदे एक साथ दो का एक इस तरीके से बनानी है अब देखिए एक फंदे सीधी भी नहीं दो फंदे फंदे पलट कर बैक साइड से दो फंदे दो का एक इस तरीके से बनानी है देखिए इधर हमारा तीन फंदे है अब देखिए धागा उल्टी बिनाई तीन फंदे उल्टी बिने बिनने के बाद पत्ते है इधर एक फंदे सीधी जाली वाले फंदे भी सीधी धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी। और लास्ट का एक फंदे सीधी बिनाई इस तरीके से बनानी है अब देखिए इधर हमारा उल्टी फंदे का डिज़ाइन है इसमें हम उल्टी बिनाई बिनेंगे धागे पीछे अब देखिए इधर दो फंदे इस तरीके से दो एक करते हुए सीधी बिनाई एक फंदे सीधी दो फंदे फंदे पलटने हैं फंदे पलटने के बाद बैक साइड से काटी डालकर दो फंदे दो एक अब देखिए इतनी बनाने के बाद इधर उल्टी बिनाई का डिज़ाइन है इसमें हम उल्टी बिनाई बिनेंगे बिन अब देखिए इसी तरीके से बाकी में भी बनाइएगा अब इसका ऊपर हम ये पत्ते बनाएंगे ये हमारा सीधी साइड है सीधी साइड से फिर बीनते हैं फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और सारे फंदे सीधी सीधी बना लेना है देखिए इस तरीके से बनाइएगा छत्तीस फंदे में सीधी सीधी बीनकर धागा आपने और ये पत्ते में दो फंदे दूसरे कट में लेकर जाना है पीछे वाले फंदे बिनने और दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है देखिए इस तरीके से बनाइएगा धागा अपनी और उल्टी डिजाइन में आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं इस तरीके से धागे पीछे अब देखिए एक फंदे दो फंदे और ये जाली वाले फंदे भी सीधी तीन फंदे सीधी बनाने के बाद धागा अपनी ओर इधर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी मत दोनों साइड इस तरीके से जाली डालते हुए चार चार फंदे बढ़ानी है आपको साइज़ का हिसाब से ये जो फंदे बढ़ाए थे ये आप कम बेसी गरा सकते हैं मैं आपको बार बार बता रही हूँ आप आपका साइज़ का हिसाब से दो चार जाली और बढ़ा सकते हैं देखिए इस तरीके से आपको उल्टी बीना बिनने हैं ताकि पीछे दो फंदे दूसरी काटी में पीछे वाले फंदे बिनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है देखिए इस तरीके से बनाइएगा यह आपका बाकी का उल्टी डिजाइन बिनाई में आपको इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनने हैं देखिए अब बाकी का छत्तीस फंदे में आपको फिर से सीधी बिनाई बिनने हैं इसी तरीके से बनाइएगा बाकी में मैं भी इसी तरीके से बिनते हुए फिर इसकी बैक साइड में आ रही हूँ बैक साइड में हमारा पत्ते का ऊपर का एक फंदे बाकी है इसको आपको सीधी बिना बिनने हैं और बाकी आपको डिजाइन जिस तरह का है उसी तरीके से बना लेना है देखिए इस तरीके से बिनते हुए बैक बैक साइड साइड बनाइएगा का बिनाई बिनने के बाद अब देखिए इसकी सीधी साइड अब इसकी सीधी फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है फिर छत्तीस फंदे में इस तरीके से सीधी सीधी बना लेना है इस तरीके से छत्तीस फंदे सीधी सीधी बनाने के बाद इधर फिर हम बिनाई बिनते हैं धागा आपने और उल्टी डिजाइन में हम उल्टी डिजाइन बीनते हैं देखिए इस तरीके से बनाइएगा उल्टी उल्टी बीन कर अब देखिए ये पत्ते आ रहा है इसका ऊपर भी आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं देखिए इस तरीके से सारी उल्टी बिनाई बीनने ताकि पीछे लेकर जाना है अब देखिए इधर आपको पत्ते में फिर घटाई करने हैं अब देखिए इधर पत्ते में चार फंदे हैं मतलब चार जाली डाल रहे थे एक दो तीन चार दोनों तरफ चाचार है और बीच में हमारा एक है इस तरीके से आपको ये बनकर आता है पत्ते में दोनों तरफ चाचार फंदे हैं अब देखिए दो फंदे दो का एक बाकी का बीच का फंदे सीधी सीधी जो हम शुरू से पत्ते बना रहे हैं उसी तरीके से आपको पत्ते बनानी है बहुत ही इजी टोपी का डिज़ाइन है आप भी ज़रूर बनाइए दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए आप देखिए लास्ट का दो फंदे है इसको आपको इस तरीके से पलटने है। और बैक साइड से काटी डालकर दो फंदे दो का एक बना लेना है इस तरीके से बनाइएगा बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आता है मैं कई बार बना चुकी हूँ और आज आपसे शेयर कर रही हूँ ये मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अब देखिए बाकी का फंदे इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनने हैं डिज़ाइन का और बाकी का छत्तीस फंदे इधर से अब इधर आपको सीधी बिना बनने हैं देखिए इस तरीके से बनाइएगा इसी बात को रिपीट करते हुए मैं बाकी का छत्तीस फंदे बिनती हूँ बैक साइड से तीन रो पूरी होने के बाद छत्तीस फंदे में आपको डिजाइन चेंज करना है देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बीन कर डिजाइन चेंज करेंगे तीन रो पूरी होने के बाद और बाकी में आपको जिस तरह का डिजाइन है उसी तरीके से बनानी है फर्स्ट फंदे बिनाई बिना उतारना है धागा आपने और छत्तीस फंदे आपको फिर उल्टी बिना बीनने हैं सीधी साइड से छत्तीस फंदे सीधी सीधी बनाने के बाद इसका ऊपर फिर आपको हैं देखिए इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनते हुए बनाइएगा ये हम सारी उल्टी डिजाइन में हम शुरू से उल्टी बिनाई बिनते आ रहे हैं अब देखिए पत्ते में फिर आपको घटाई करने है दो फंदे सीधी साइड से दो का एक फिर बीच का फंदे सीधी सीधी बिनने हैं फिर लास्ट का दो फंदे इस तरीके से पलटनी है पलटने के बाद बैक साइड से दो फंदे फिर दो का एक बना लेना है देखिए इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए उल्टी डिजाइन आ रहा है इसमें हम उल्टी बिनाई बीनी है देखिए इस तरीके से बनाइएगा उल्टी उल्टी बीन कर इस तरीके से उल्टी बिनने के बाद इधर छत्तीस फंदे का डिज़ाइन है इसमें भी आपको उल्टी बिना बिनने हैं इस तरीके से आपको सीधी और उल्टी दोनों तरफ से डिजाइन बनाते हुए बनानी है देखिए इस तरीके से मैं छत्तीस फंदे में बिन चुकी हूँ अब देखिए इसकी बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनाइएगा इसकी बैक साइड से अब देखिए इसकी सीधी साइड फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है फिर सारी सीधी सीधी बनाएंगे देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी सीधी सीधी बिनकर। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं ये छत्तीस फंदे सारी सीधी सीधी बना रही हूँ देखिए इस तरीके से अब देखिए बाकी का उल्टी फंदे है इसमें हम उल्टी बिने बिनेंगे छत्तीस फंदे बीनने के बाद देखिए इस तरीके से उल्टी उल्टी बिनकर बनाइएगा ये उल्टी डिजाइन में अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद इधर पत्ते आ रहे हैं ये पत्ते दो फंदे दो का एक बीच का एक सीधी लास्ट का दो फंदे है इसको आपको पलट कर फिर बैक साइड से काटी डालकर दो फंदे दो का एक देखिए इस तरीके से बनानी है अब बाकी का उल्टी फंदे का डिजाइन है इसमें धागा आपने ओर लेकर आना है और फिर सारी उल्टी बिने बिनने हैं देखिए इस तरीके से बनानी है उल्टी डिजाइन में उल्टी बनाने के बाद छत्तीस फंदे का बाकी का डिज़ाइन में आपको फिर सारी सीधी सीधी बनाने हैं देखिए इस तरीके से बनाइएगा फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है फिर छत्तीस फंदे आपको इस तरीके से सीधी सीधी बनाकर बीनने हैं देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा अब देखिए छत्तीस फंदे बीनने के बाद इधर से हमारा पैटर्न शुरू होता है मतलब इधर हम उल्टी बिनई का पैटर्न बनाते आ रहे हैं इसमें हम उल्टी बिनई बिनेंगे देखिए इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए इधर हमारा पत्ते आ रहे हैं अब देखिए पत्ते में फिर दो फंदे दूसरी कटी में लेकर जाना है पीछे वाले फंदे बिनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिराने हैं देखिए इस तरीके से अब देखिए धागा अपनी ओर बाकी का उल्टी बिनाई का डिजाइन में फिर उल्टी बिनाई बिनने हैं अब देखिए इस तरीके से बीनने के बाद बाकी छत्तीस फंदे है इसमें आपको फिर सीधी बिनाई बीनने हैं अब देखिए ये सीधी साइड में हमारा ये पत्ते का पैटर्न बन चुका है अब ये पूरे होने के बाद ये तीन द्रो पूरा हो चुका है पर इसमें आपको डिजाइन चेंज करे नहीं आपको बिनने है। मतलब सारी उल्टी बिनाई बिनने हैं देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी उल्टी बिनाई बीनते हुए इसमें हमारा टोटल फंदे नब्बे फंदे हैं नब्बे फंदे हम सारी इसी तरीके से उल्टी बीनते हुए बनाएंगे देखिए बाकी का छत्तीस फंदे में भी आपको उल्टी बीनाई बिनने हैं उल्टी साइड से सारी उल्टी उल्टी बिनने के बाद इसकी सीधी साइड में हमारा सीधी डिजाइन आ रहा है अब देखिए ये पत्ते का घटाई अब आपको बिनने हैं इसका ऊपर देखिए किस तरीके से बनानी है इधर नब्बे फंदे हैं इसमें हम पंद्रह के मल्टीपल के हिसाब से घटाएंगे मतलब पंद्रह छक्का नब्बे इस तरीके से आपको सात फंदे सीधी सीधी बना लेना है सात फंदे सीधी सीधी बनाने के बाद दो फंदे दूसरी कटी में पीछे वाले फंदे बिनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है देखिए इस तरीके से फिर तेरह फंदे बिनने हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह बिनने के बाद इधर फिर आपको दो फंदे दूसरी काटी में लेकर जाना है पीछे वाले फंदे बीनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिराने हैं देखिए इस तरीके से बनानी है और फिर आपको तेरह फंदे बनानी हैं देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बीन कर तेरह फंदे बनाइएगा मतलब हम शुरू में सात फंदे रख रहे हैं बीच में हम तेरह तेरह फंदे बीनते हुए फिर तीन फंदे तीन का एक करा रहे हैं देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ लास्ट में फिर आपको दो फंदे एक साथ दो का एक बीनते हुए फिर लास्ट में एक फंदे घटानी है अब देखिए इसकी बैक साइड से बैक साइड से आपको फिर सारी उल्टी बिनाई बिनने है देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी उल्टी बिनाई बीनते हुए देखिए इस तरीके से बाकी में बनानी है देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ सारी इसी तरीके से बनाइएगा अब देखिए इसकी सीधी साइड सीधी साइड से आपको इसी तरीके से कटाते हुए इसका ऊपर बनानी है ये पत्ते बनने के बाद अब देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना अब फिर देखिए दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे बीनने के बाद फिर देखिए इधर जो घटाई है घटाई का अगले तरफ का फंदे दूसरी कैटी में लेकर जाना है पीछे वाले फंदे बिन्ने और दो फंदे इसी तरीके से गिराने हैं देखिए इस तरीके से कटाई करते हुए इसका ऊपर बिन्ने हैं अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एगारह अरे बारह बारह फंदे बीनने के बाद अब देखिए दो फंदे दूसरी कटी में डिजाइन और अगले तरफ का फंदे दूसरी कटी में पीछे वाली फंदे बीनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है इसी तरीके से घटाते हुए आप बाकी में बनानी है मतलब अब देखिए लास्ट में मैं आ रही हूँ लास्ट में फिर आपको इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में फिर दो फंदे दो एक बना लेना है अगर आप किसी भी साइज में बना रहे हैं तो इसी तरीके से मल्टीपल के हिसाब से भाग लगाकर बनाइएगा जिसकी वजह से ये इसका ऊपर बहुत ही फिनिशिंग से बन जाता है कोई बात नहीं आप किसी भी साइज़ में आराम से बना सकते हैं अब देखिए इस तरीके से बनने के बाद इसकी ये घटाई आ रहा है इसी तरीके से इसकी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर घटाई करेंगे मैं इसी बात को रिपीट करते हुए कटाई करती हूँ देखिए मैं इतनी कटाई कर चुकी हूँ अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है अब देखिए इसका ऊपर फिर बिन्ने हैं फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है अब देखिए ये डिजाइन है देख रहे हैं ये डिजाइन डिजाइन के अगिले तरफ का फंदे दूसरी कैट में पीछे वाले फंदे बिन्ने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिराने हैं देखिए बहुत ही आसान से ये बनता है अब देखिए फिर दो फंदे सीधी अब देख रहे हैं दो फंदे सीधी बनाने के बाद ये डिजाइन का अगले तरफ का फंदे दूसरी कट में लेकर जाना है पीछे वाले फंदे बिनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिराने हैं देखिए इस तरीके से बनाते जाना है आपको मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए बनाती हूँ देखिए इस तरीके से बिनती हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ लास्ट का दो फंदे फिर आपको दो का एक बनानी है देखिए इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए इसकी रंग साइड रंग साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं देखिए इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनती हुए बनाइएगा अब देखिए इसकी सीधी साइड सीधी साइड में आपको फिर ये डिजाइन का अगले तरफ का फंदे दूसरी काट में लेकर जाना है पीछे वाले फंदे बीनने और दो फंदे इसी के ऊपर से गिराने अब इसका ऊपर डिजाइन का फंदे बाकी रहता है बाकी का फंदे इसी तरीके से घटाते जाना है देखिए इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए ये डिजाइन का अगली तरफ का फंदे दूसरी काटी में पीछे वाले फंदे बिनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिराने हैं और फिर ये डिजाइन के अगले तरफ को फंदे दो दूसरी काटी में पीछे वाले फंदे बिनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिराने हैं देखिए इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ लास्ट में हमारा एक फंदे बाकी है इसे आपको सीधी बिनाई बिनने हैं देखिए इस तरीके से ये टोपी बनकर आ रहा है ये बहुत ही सुंदर टोपी है आप आप किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं मैं बनाने के तरीके आपको स्टेप बाई स्टेप बता रही हूँ और फंदे कितने लेने हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ अब देखिए इसका ऊपर आपको एक एक करते हुए फंदे हैं देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे इसी तरीके से गिराएंगे अब देखिए ये फंदे गिराने के बाद ये धागा थोड़ी खींचना है आपको इस तरीके से देखिए ये टोपी बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है आप देख सकते हैं पर यह छोटी साइज़ में है आप किसी भी साइज़ में आराम से बना सकते हैं मैं बनाने के तरीके आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ अब देखिए ये इसकी सीधी साइड और इसका बैक साइड से आपको सिलाई करनी है देखिए इस तरीके से पलटना है और पलटने के बाद इसको इस तरीके से जोड़ते हुए सिलाई करनी है देखिए मैं सिलाई करती हूँ अब देखिए ये सिलाई करने के बाद बहुत ही सुंदर बनकर आता है इधर आप पंपाउंड लगा कर सजा सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये टोपी का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए अभी तक दीपा नेटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर करने मत भी मिलते हैं दूसरी वीडियो में तब तक के लिए दीपा नेटिंग चैनल धन्यवाद